मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। 8 और 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होगा। उन्होंने आयोजन के लिए चल रही तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए टीम भावना के साथ बेहतर से बेहतर तैयारियां की गई हैं। आयोजन के अविस्मरणीय होने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की यादों को सहेजते हुए प्रस्तावित ग्लोबल गार्डन के बारे में भी चर्चा की। दतिया का रुख करेंगे। प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ ने समीक्षा बैठक की। जिला कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, जिला कलेक्टर संजय कुमार मौजूद रहे। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। विकास कार्यों के मामलों में दतिया अव्वल है, ये कहना है प्रभारी मंत्री का। आज हमने समीक्षा बैठक की है, वहां में सभी अध्यक्ष, हमारे विधायक, हमारे सभी अधिकारीगण, कलेक्टर साहब, एसपी साहब सब उपस्थित थे और समीक्षा बैठक थी। और हमने समीक्षा बैठक को किया, कई चीज़ों की जानकारी हमको लेनी थी, कुछ कामों के लिए हमें निर्देश करना था, अधिकारियों को किए। और हमारे तटीय क्षेत्र में बहुत अच्छे से विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी मेरे को जानकारी मिली। कई विकास कार्यों में तो हमारा तटीय जिला पूरे मध्य प्रदेश में टॉप है। और जहाँ छोटी छोटी समस्या हमको शिकायत में मिली है, उस हम सब गौर कर रहे हैं, उनको देखेंगे, उन सुधार करेंगे। और दतिया का विकास तो हो ही रहा और हम सब कोशिश करेंगे कि दतिया प्रदेश में पहले नंबर पे आना चाहिए। बीजापुर का रुख करेंगे, जहां सड़क पर आईईडी बम मिला है, 25 किलो का बम बरामद। नेलसनार मिरतूर गंगालूर मुख्य मार्ग की घटना है। मुंडा तालाब के पास सड़क पर मिला बम। बीडीएस मिरतूर की टीम मौके पर पहुंची। बम को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया गया। माओवादियों ने सड़क पर यह बम रखा था, नुकसान पहुंचाने की योजना थी नक्सलियों की। रुक बिलासपुर का, पुलिस जागरूकता अभियान का आयोजन कर रही है। आपकी पुलिस आपका वार्ड अभियान शुरू हुआ। युवाओं को नशे की खेप से दूर रहने की सलाह दी गई है। नशे से बनाओ दूरी, जिंदगी जियो पूरी का नारा दिया गया। साइबर क्राइम, धोखाधड़ी, ट्रैफिक नियमों को लेकर भी जागरूकता चलाई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल मौजूद रहे। लड़ाई झगड़ा, छोटे छोटे बातों पर विवाद विवाद करना, अनावश्यक रूप से गाली का आवश्यक है और ये भी बहुत जल्दी ही बिलासपुर पुलिस। बिलासपुर का रुख करेंगे, 12 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। पति ने पत्नी के नाम से लोन लिया था। पत्नी ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। पति ने पत्नी के लिए फर्जी साइन किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर से आरोपी पति गिरफ्तार। एक प्रार्थिया जो है रत्ना गुप्ता, वो पति शंकरलाल गुप्ता, उनके द्वारा एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस पर जांच वरिष्ठ कारागार की जा रही थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनके पति से वो लगभग 8 सालों से अलग रह रही हैं किसी कारण से, और उसके बाद भी उनके पति के द्वारा एक ICICI बैंक में उनका फर्जी फोटो, फर्जी हस्ताक्षर करके लगभग 12 लाख रुपए का लोन उन्होंने ले लिया है। बलौदा बाजार का रुख करेंगे, न्यू बस स्टैंड के पास खतरनाक हादसा हुआ। एक बार फिर से खून से सड़क रंग गई। कार चालक ने स्कूटी और दो कारों को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बलौदा बाजार के न्यू बस स्टैंड में हादसा हुआ। ग्वालियर में वारदात को अंजाम देने के इरादे से बदमाश आया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के आने की सूचना पुलिस को दी गई थी। आरोपी के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। झांसी रोड थाना पुलिस को सफलता हासिल हुई है। ये कल पुलिस टीम के द्वारा थाना क्षेत्र में नहरवाली माता रोड पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसको चेक किया तो उसके जो है कमर में 32 बोर की पिस्टल मिली। उसकी मैगजीन खोली तो उसमें 4 राउंड जिंदा मिले। करीबन 20-21 साल का ये युवक है। इसको पकड़ के इसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की। ये व्यक्ति वैसे मूल रूप से तो आरोन तरफ का रहने वाला है, यहाँ गली नंबर 5 में किराए से रहता था। दमोह का रुख करेंगे, जहां जैन मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। 3 छात्रों समेत 4 अष्टधातु मूर्तियां ढह गई हैं।
तीनों छात्रों की कीमत छत्रों की कीमत लगभग 1.5 लाख बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, चोरों को जल्द पकड़ने की बात कही जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आज सवेरे सवेरे सूचना प्राप्त हुई कि जैन मंदिर सराफ जैन मंदिर पटेरा में जो है वहाँ एक मंदिर के भीतर से मूर्तियाँ चोरी चली गई। इस सूचना के आधार पर हमारे जो इंचार्ज थाना प्रभारी थे मिस्टर राय, उसमें अपराध क्रमांक 7 धारा अंतर्गत 457-380 का मुकदमा कायम किया गया। देन श्री राय यहाँ पर घटनास्थल पर उपस्थित हुए, उनके साथ में हमारा जो एक्सपर्ट दल है FSL पार्टी जिसको आप कहते हैं, उसमें पुलिस फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग मास्टर और मैं स्वयं और हमारे साथी जो कर्मचारी साथी हमारे साथ में हैं, सब लोग वहाँ पर उपस्थित हैं सुबह से। भैया क्या है कि इसमें चोरी में, मंदिर की चोरी में इसमें कीमत से नहीं आ सकता। तीन छत्र मेरे ख्याल से आधा आधा किलो के तीन छत्र हैं, आधा किलो के तीन छत्र होंगे और दो छत्र जो बड़े वाले थे वो सिंगल थे और एक बीच वाला जो मुख्य छत्र था उसमें एक छत्र में तीन छत्र लगे हुए थे। तो इस चांदी के वजन के हिसाब से तो अपन यही मान के चलिए कि 500-500 ग्राम के करीब के छत्र होंगे, तीन छत्र थे। अब अप्रॉक्स उसकी कीमत अपन 1-1.5 लाख कुछ भी माने ये मान के चलिए। और प्रतमाव जी का तो भैया ऐसा है कि उसकी कोई कीमत के बारे में कुछ रहे थे। चलिए खबरें लगातार जारी हैं, एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। बुधनी के SDM को लंबे वक्त से शासकीय महाविद्यालय में लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी, लिहाजा उन्होंने कॉलेज में औचक निरीक्षण किया, हालातों का जायजा लिया। कॉलेज में दोपहर तक ताले लटके नजर आए। वहीं SDM के निरीक्षण की खबर लगते ही प्रोफेसर और स्टाफ कॉलेज पहुंचे। इस पर SDM ने प्रोफेसर और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। SDM ने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को वक्त पर आने की हिदायत दी। कॉलेज प्रबंधन ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। मुझे बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ के कॉलेज में ना तो पढ़ाई हो रही है, ना प्रिंसिपल आते हैं, ना टीचर आते हैं। आज मेरे द्वारा इसका औचक निरीक्षण किया गया और ताला बंद पाया गया, सिर्फ चौकीदार यहाँ पाया गया और कोई भी स्टाफ उपस्थित नहीं है, जबकि कार्यालयीन समय 10 से 6 है और मैं लगभग 12:15 बजे के आसपास आया हूँ, यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। इनके खिलाफ हम शासन को लिखें। उज्जैन में मकर संक्रांति को लेकर लोग खासे उत्साहित हैं, अभी से पतंगबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच हरी फाटक इलाके में चाइना डोर से एक युवक हादसे का शिकार हो गया। चाइना डोर से युवक के गले में घाव लग गया, घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। दूसरी तरफ छात्रा भी चाइना डोर की चपेट में आकर जख्मी हो गई। कलेक्टर के निर्देश पर चाइना डोर की बिक्री करने वाली दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, साथ ही दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जा रही है। दंतेवाड़ा का रुख करेंगे, जहां पर जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार और उनकी पूरी टीम स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरंदुल की लगातार शिकायतें मिलने पर देर रात अचानक SDM आनंद राम नेताम अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। SDM को स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ एक नर्स मिली और कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिले। और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोड़ेनार बचेली नगर पंचायत से लगा हुआ है, जहाँ से लगातार शिकायत आ रही थी कि वहाँ के डॉक्टर्स उपस्थित नहीं रहते हैं। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा कल संध्या शाम को वहाँ जा कर के औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि डॉक्टर तो वहाँ उपस्थित नहीं थे, उनके कर्मचारी उपस्थित थे और डॉक्टरों का वहाँ पर विधिवत ड्यूटी चार्ट लगना चाहिए था, वो भी नहीं लगा है। तो मैंने पूछा कि उनके कर्मचारियों से कि आज किस डॉक्टर की ड्यूटी लगी है, तो उन्होंने बता नहीं पाए। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो ड्यूटी लगातार लगाते नहीं हैं और ड्यूटी रोस्टर का पालन नहीं करते हैं। वहाँ जैसे गए तो 2-4 मरीज भी आए थे, इससे प्रतीत होता है कि मरीजों का आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ ये अनियमितता पाई गई कि
उपस्थिति पंजी में एक डॉक्टर ने एडवांस में हस्ताक्षर कर दिया था, जो 6 तारीख को तो आया ही नहीं था, लेकिन 6 और 7 तारीख का उसने हस्ताक्षर किया था। बिलासपुर का रुख करेंगे। नौकरी लगवाने के नाम पर 2 लाख की ठगी हुई है। टीचर की नौकरी लगवाने के नाम पर 2 लाख की ठगी की गई। महिला से 4 लाख रुपए मांगे गए थे। महिला ने 2 लाख रुपए जमा करवाए थे ग्रामीण बैंक के कर्मचारी के खाते में। ये पैसे जमा हुए। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जाँच। प्रिया राजपूत महिला हैं। उनके द्वारा ये बताया गया था कि पप्पू शिवहरे नामक व्यक्ति के द्वारा उनको शिक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख का सौदा हुआ था। 2 लाख रुपए उनको दिया उनके द्वारा दिया जा चुका था, जिस पर पप्पू शिवहरे के खिलाफ में रायपुर और नवागढ़ इधर भी कई अपराध पंजीबद्ध हैं और अभी वो जेल में है। तो थाना सिविलियन में भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया धोखाधड़ी का और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर का रुख करेंगे। अवैध शराब के कारोबार पर बड़ा एक्शन हुआ है। बरई स्थित तिघरा पहाड़ी पर कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन आबकारी पुलिस की कार्रवाई तकरीबन 7 घंटे तक चली। 6400 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद की गई है। 40,000 किलो गुड़ लाहन बरामद किया गया है, उसे नष्ट। 32 ड्रमों में जमीन में गाड़ कर रखी गई थी शराब। बुलडोजर की मदद से खुदाई कर ड्रमों को बाहर निकाला गया। आड़ी बड़ी हो रही है, आड़ी बड़ी जाएगी, आड़ी बड़ी हो बना।